उन सभी को एक्सप्लेन करते हैं इनके टर्म्स में हम फिज़िक्स को पढ़ते हैं जैसे लेंथ मास टाइम आप जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे आपको ये सारी क्वांटिटीज मिलेंगी और ये सारी क्वांटिटीज जो आपको फिज़िक्स पढ़ने में हेल्प करती हैं वो हैं फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दो तरीक़ों से पहला तरीका फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर वेक्टर में बांटता है दूसरा तरीका फंडामेंटल और डिलाइड क्वांटिटीज में बांटता है स्केलर वेक्टर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और हम देखेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसे हम स्केलर बोलते हैं और जिन क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है और साथ साथ वो ट्रेंगल रूल का फॉलो करती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे बट अभी हमें पढ़ना है फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज, सो लेट्स मूव टू आर डेट जितनी भी आपने ये क्वांटिटीज देखी यहाँ पर लेंथ मास, टाइम फोर्स वर्सिटी एक्सलेशन करेंट पावर मोमेंटम इम्पल्स और भी बहुत सी हैं जितनी क्वान्टिटीज़ आप देख रहे हैं इन सारी क्वांटिटीज को हम दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं एक हिस्सा उन क्वान्टिटीज का कलेक्शन होगा जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है और दूसरा हिस्सा उन क्वान्टिटीज का कलेक्शन करेगा जो फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ओके हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं सपोज कीजिए कि हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या बेसिक आइटम्स की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियस है दूध पानी चाय पत्ती अदरक इलायची चीनी ये छह आइटम्स जो हैं ये बेसिक आइटम्स हुए एक अच्छी चाय बनाने के लिए सो आप देखेंगे कि इन छह आइटम्स को जब हम मिलाते हैं तो चाय बन के हमारी रेडी होती है ओके okay. सो so, ये जो छह आइटम्स हैं आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं चीनी का दूध से कोई संबंध नहीं है मतलब चीनी के बनने में दूध के बनने में कोई संबंध नहीं है उसी तरह अदरक और इलायची में कोई संबंध नहीं है अदरक के बनने और इलायची के बनने या फिर चाय पत्ती के बनने में ये तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है इन सारे आइटम्स को जब हम मिलाते हैं तो एक नया आइटम बन बनकर तैयार होता है चाय डैट मीन्स जो चाय है जो टी है वो डिराइव्ड हुआ इन सिक्स बेसिक आइटम्स से उसी तरह कुछ क्वांटिटी जैसी हैं जो बेसिक क्वांटिटी से डिराइव्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव क्वान्टिटीज और जैसा एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पर चाय पत्ती चीनी इलायची अदरक पानी और दूध का ऐसे टाइप की क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सो फंडामेंटल फिज़िकल क्वानटिटीज की डिफिनीसन जो है वो दी गई है कि फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एंड सेकेंड ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकेंड यह है कि जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज बची वो सारे फ़ंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस होनी चाहिए बताया उतना आप समझ गए होंगे हम लोग तो फिर यहाँ लौटेंगे वापस